Good evening, everyone. How are you? Welcome to Navoday Classes, M for Aims, my YouTube channel. Myself, K.M. Sir, Biology Faculty, NEET or Aims, and other competitive entrance examination like Odisha SSB Zoology Lecture for Non-Government Aided College. So today classes, we are going to discuss the non-codates and codates. So Odisha SSB Zoology Lecture में 5 unit है और इसी 5 units में हम लोग आज की classes और topic में 1st unit को discuss करने वाले हैं, जो कि important unit है, जहां से आपको बहुत सारे questions पूछे जाते हैं Odisha SSB Lectureship में. So the first unit which shall come under the zoology, that is non-codates and codates. So today classes we are only discuss about the non-codates and codates MCQ with explanation. So let's join and subscribe and like the channel. Okay guys, तो ऐसे और बहुत सारे प्यारे प्यारे बहुत सारे वीडियो आपके पास पहुंचेंगे. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, कर लीजिए. ठीक है, अब शुरू करें. तो आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग शुरू करेंगे नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स. नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स में इंपोर्टेंट सवाल मैं बताऊंगा, आप लोग को डिस्कशन करूंगा, जो ओडिशा SSB जूलॉजी लेक्चर में एग्जाम जो होगी उसमें आने वाले हैं. सो इंट्रोड्यूस myself, K.M. Sir. I am the director of Navoday Classes, Sambalpur. I did my MSc in field from JNU New Delhi. Okay. So when it's come to success, there are no shortcut. अगर आपको आपकी जिंदगी में सक्सेस लेना है, आपकी मंजिल तक पहुंचना है, तो कोई शॉर्टकट नहीं. हर चीज इंपॉर्टेंट है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, चलो. सो स्टार्ट करें आज की सेशन में. सभी को वेलकम टू नवोदय क्लासेस. तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो कौन सी क्वेश्चन है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. In Hirudinaria, the excretory organs are disc. So, कौन बताएगा? Hirudinaria में excretory organs कौन सी होती है? Excretory organs सभी को पता है. By the help of excretory organ, we can excrete or remove the nitrogenous waste material. तो तीन type का होता है, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, इमिनोटेलिक होते हैं. तो यूरिकोटेलिक में क्या होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल से अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यूरिक एसिड को सीक्रेट करवाता है तो उसको यूरिकोटेलिक कहेंगे. जैसे कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आपका यूरिकोटेलिक में पार्स, इंसेक्ट, ए लोग का आ जाता है. तो हिरुडिनेरिया द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, इसकी अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा होगा, ऑप्शन 1 ग्रीन ग्लैंड्स, ऑप्शन 2 ऑर्गाना पोजनास, फ्लोरांगोनिंग सेल्स और नेफ्रिडिया. तो हिरुडिनेरिया एक मतलब आर्थ्रोन टाइप का है, तो इसमें कौन सा होगा, नेफ्रिडिया इज द करेक्ट आंसर. ग्रीन ग्लैंड आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा. अभी अभी SSB में क्वेश्चंस में पूछा है ऑर्गाना पोजनस क्या है, तो देख लीजिएगा. ऐसा सवाल आपको कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे दोस्तों. तो चलिए देखते हैं, द करेक्ट रेस्पॉन्स इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. व्हाट इज ऑप्शन डी, नेफ्रिडिया. सो हिरुडिनेरिया द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स आर नेफ्रिडिया. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. In questions number 2, we can discuss about the aquatic mammals. Can you tell me, in aquatic mammals, Rhytid mirabilis is associated with death. Aquatic mammals, जो aquatic water की medium में जो presence होते हैं जो mammals,
उसमें रिटे मिराबिल्स किसके लिए एसोसिएटेड होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के लिए, नर्वस सिस्टम्स के लिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के लिए. सो द करेक्ट आंसर इज सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सो द करेक्ट आंसर इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन बी. ओके, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस नंबर थ्री. क्वेश्चंस नंबर थ्री आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, which of the following is not a flight muscles? Flight muscles कौन सी नहीं है क्वेश्चंस में पूछे गए हैं. तो ऑप्शन ए पेक्टोरालिस मेजर, कोराको ब्रासियल्स ब्रेविस, कोराको ब्रासियल्स लॉन्गस एंड गैस्ट्रोनेमियस. तो इनमें से कौन सा फ्लाइट मसल्स नहीं है जो उड़ने में मदद नहीं करता है? ठीक है, तो कौन सा होगा? द करेक्ट आंसर इज आंसर डी, गैस्ट्रोनेमियस. क्या होगा दोस्तों? गैस्ट्रोनेमियस होगा आंसर. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर फोर. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में आपके एसएसबी एग्जाम में आने के लिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस कैरी एग्स इन इट्स वोकल सैक्स? तो कौन से एम्फीबियंस है जो कैरी करते हैं एक को अपना वोकल सैक से? ऑप्शन वन नोटोपेट्रस, पाइपा, क्रैप्टोपेट्रस और राइनोड्रोमा डार्विनी. सो द करेक्ट आंसर इज, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, राइनोडर्मा डार्विनी. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, Which of the following is the probable ancestor of tetrapod? Tetrapod में कौन सा following ancestor यहाँ से आएंगे? Actinistiae, Rhipidistiae, Isthostesa, Tipnoi. तो ये वार सब थोड़ा याद रखना होता है, इतना difficult नहीं है कि यार इतना tough tough word कैसे हम लोग याद रखेंगे. ठीक है ना दोस्तों, बार बार practice कीजिएगा तो हो जाएगा. मतलब जूलॉजी को अपन को आसान बनाना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा नाम वगैरह तो नेमिंग वगैरह ये तो याद करना ही. तो द करेक्ट आंसर क्या होगा? टेट्रापोड में कौन सा आएगा करेक्ट आंसर? कौन बताएगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिपीडिस्टिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर सिक्स. क्वेश्चंस नंबर सिक्स में हम लोग देखेंगे, Rhabditiform larva is seen in death. Rhabditiform larva is seen in death. ये larva कहाँ पे देखने को मिलता है? Trichinella spiralis, Ascaris lumbricoides, Tellinia solum, Eucheria benproti. Eucheria benproti ये जो है ये filariasis elephantiasis disease का कजेटी पेशेंट है जो lymphatic vessels को affect करता है. तो लोअर द लिम्फेटिक वेसल्स का इंफ्लेमेशन हो जाता है, हाथी जैसा फेर होता है. Ascaris lumbricoides also ए राउंडवर्म डिजीज है, मतलब जैसे कि कह सकते हो ये ascariasis करवाता है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज जैसा होने का चांसेस होता है. तो आप मुझे बता सकते हैं Rhabditiform larva is seen in death, कहाँ पे देखने को मिलेगा? The correct answer is Ascaris lumbricoides. Ascariasis में देखने को मिलेगा. Questions number seven. Questions number seven में क्या बोला गया है? Questions number seven में बोला है, which of the following is a larvar form of starfish? Starfish related भी अभी SSB में questions पूछा था, आप लोग देखे हुए होंगे. Tube feed किसका होता है? तो starfish का होता है. Neopiliasis, Brachiolaria, Trochophore या Auricularia, कौन सी होगी? बता सकते हैं आप लोग कौन सा होगा? Which of the following is a larvar form of starfish? तो चलिए आंसर देखते हैं कंप्यूटर बाबा से. The second number answer is option B, Brachiolaria. ठीक है, next questions number eight. Questions number eight में हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एम्फीएक्सेस
exhibits its non-coded affinity. So which of the following features of MTFSS जो होता है एग्जिबिट इन नॉन कोडेड एफिनिटी में, नोटोकोड होगा या डोर्सल ट्यूबुलर नोटोकोड होगा, प्रोटोनेफ्रिडिया होगा या फेरेंजियल्स आपका गिल स्लिट होगा. तो करेक्ट आंसर इज कह सकते हैं डोर्सल ट्यूबुलर नोटोकोड. क्या होगा? डोर्सल ट्यूबुलर नोटोकोड. चलिए देखते हैं कंप्यूटर बाबा से. ऑप्शन सी नहीं, इसका आंसर होगा प्रोटोनेफ्रिडिया. व्हाट इज प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलिनोसाइट्स? ये आस्केल हेलमेंथेसिस का भी क्या है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन है आप लोग कह सकते हैं. तो एक कोडेड्स और नॉन कोडेड्स में सबसे इंपॉर्टेंट था. तो इसी तरह का मतलब क्वेश्चंस आपको एसएसबी में पूछे जाते हैं. सो मतलब इसी तरह से आपको बीएससी और एमएससी लेवल का थोड़ा डेप्थ लेवल में जो बुक्स अवेलेबिलिटी है उसको पढ़ना पड़ेगा. जो इसका बेस्ट ऑथर का बुक्स में बता सकता हूँ, आरएल कोटवाल का जो होता है इन इन वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स कोटेड नॉन कोटेड्स का, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो. ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच. काइंडली सब्सक्राइब वॉच एंड शेयर एंड कमिंग in my YouTube channel Navode Classes M for Ims to see more video. Thank you so much.